खान था, उधर खान था, है ना, सैकड़ों बरस की खान का, सैकड़ों सालों की खान का, उस नए बंदे को लेके खान का जाए। अब पूछिए कि इनका रिश्ता हमसे क्या है, इनको हम घर में आने दें कि नहीं आने, है ना, महसूस तरीके सिक्योर रास्ते, है ना। और जब खानकाह वाले कह दे इससे एक रिश्ता बनता है, तब उनके लिए अपना मर्दान खाना खोलिएगा, दरान खाना फिर भी न खोलिए, है ना। तो बुजुर्गो दोस्तों और अजीजों, आज के जलसे में हम कुछ फैसले लेके उठेंगे, है ना। ये जलसा यूं ही नहीं हंसा हंसाया, खेल किया, मजाक किया, रुख्सत हो गया, नहीं, ये बड़ी संजीदा बातें हैं कि आप सैकड़ों बरस के आवास मोहल्ले में रहते हो, तो यहां किसी को ये हक नहीं है कि वो आपकी पुरानी फिक्र के खिलाफ नई फिक्र लाकर हवाले कर जाए। आपका पुराना होना ही आपकी असली ताकत है। मुझसे एक शख्स कहने लगे, आप बाप दादा के तरीके पर चलते हो, एक शख्स कहने लगे आप बाप दादा के तरीके पर चलते हो, कुरान ने इसको मना किया है। मैंने ये नहीं पूछा कि किस आयत में मना किया है, मैंने उनसे सिर्फ एक बात कहा, हमने कहा देखिए कुरान ने सचमुच मना किया है, लेकिन किसे मना किया आप भूल गए, उसका किसे मना किया। हमने कहा असल में दो लोग हैं, एक का नाम है अब्दुल्लाह इब्ने उमर, सैयदना उमर फारूक के बेटे हैं, और दूसरे कौन है, अकरमा इब्ने अबू जहल, अबू जहल के बेटे अकरमा ईमान ले आए, लेकिन उन्हें ये हक नहीं है कि किसी अमल में किसी फिक्र में बाप का हवाला दे दे। हजरत उमर के बेटे को ये हक है कि अगर किसी अमल में मिसाल दे तो कहे मेरे अब्बा ऐसा करते, याद रहे अकरमा को ये हक नहीं है कि अपने वालिद से बावजूद इसके को साहिब ईमान, बावजूद इसके को साहिब मर्तबा, बावजूद इसके को उनका रुतबा बहुत बुलंद है, मैं उनके मर्तबे का थोड़ी इंतजार कर रहा हूँ, कौन सा इंतजार कर रहा हूँ, मैं उनके शरफ सहाफियत को तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसके ये मतलब थोड़ी है कि पूछे हल को भी तस्लीम कर लो, नहीं ना। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अल्लाह उनसे राजी हो, उनके बाप से राजी हो, है ना, उन्हें यह हक है कि अपने अखबार को बतौर तलब, बतौर सबूत, बतौर सकाहत पेश करें, वो भी करते थे, हम भी करते, है ना। और अगर तुम मुझसे पूछो कि आप अपने बारे में बताइए थोड़ी उनको, तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने अब्बा की तरजीह इसलिए करता हूं कि मैं उन्हें अपने से ज्यादा मुत्तकी समझता हूं। हिम्मत तो काट दो, अब किसी का बाप मुत्तकी नहीं है तो वो छोड़ सकता है बाप। और एक दलील है कि मैं अपने बाप की तरजीह इसलिए करता हूं कि मैं समझता हूं कि मुझसे वो, यानी मेरे अब्बा सरकार दो आलम से 40 साल ज्यादा करीब, हम उनके मुकाबले में 30 से 40 साल दूर, इसीलिए हम उनकी पैरवी करते हैं कि वो मेरे मुकाबले में सरकार दो आलम से ज्यादा करीब है। हिम्मत तो काट दो, हाँ अगर किसी को ये शर्म हासिल नहीं तो फिलहाल उसके लिए मातम करने के और क्या है, घबराओ नहीं। सलाम का मसला भी शायद उठा, अब हम लोग सलाम की तरफ पढ़ रहे हैं, मुझसे एक शख्स कहने लगे हजरत आप लोग सलाम पढ़वाते हैं खड़ा करके, खड़े हो जाओ, और हाथ भी बनवाते हैं न बांधे तो गौर से देखते हैं। हमने कहा अच्छा, क्या आपको इतराज है, कहा हाँ बिल्कुल इतराज है, कहा क्यों, कहा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अच्छा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह ने सब कहा कि सलाम खड़े होकर न पढ़ो और हाथ न बांधो, कहा देखिए अल्लाह ताला ने जितनी नमाजें फर्ज की सब में बैठ के दरूद व सलाम पढ़वाया, कहो हाँ बैठ के तो पढ़वाया, देखिए जिन जिन रिकतों में दरूद व सलाम पढ़ना है, सलाम अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सब में बैठा दिया जाता है, इत्मीनान से बैठ जाओ, और हाथ भी खुलवा दिया जाता है, दोनों हाथ जानों पर रखो और सब पढ़ो सलाम और सलाम।
उसने देखा कि जरा आसन हो रहा है तो उसने और संतना बांधा और कहा पांडी नहीं सुन्नत में। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो रसूलुल्लाह ने भी वही हुक्म दिया कि मेरी सुन्नत में भी वही करना जो फर्ज में है ना। और वही तरीका नफिल में राय हुआ, वही वाजिब में हुआ, वही जुमा में हुआ, वही दर्ज में हुआ। बड़ी अच्छी बात है सुभान अल्लाह। हमने कहा सांस ले लो तो फिर नमाज का जिक्र करो। ढेर की सांस खींची उसने तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ एक नमाज और है जिसके बारे में कुछ सुना तुमने। गाना कौन सी नमाज? फर्ज होगी, वाजिब होगी, सुन्नत होगी, नफिल होगी, जुमा होगा, ईदैन होगा, और कौन सा होगा? हमने कहा एक नमाज और है जो सारी नमाज पर ताल है, ताल मैंने चली है। और अगर वो नमाज ना पढ़ी जाए तो कोई नमाज ही मानेगा उसको? वो एक नमाज है जिसमें बेचारे को लिए जा रहे हैं सब लोग, चलो भाई है पहुंचे वहां। अब आज जब नमाज खड़ी हुई तो यहाँ बांधे चाहे यहाँ बांधे है ना। अब चलिए यहाँ वाले यहाँ बांध लीजिए, यहाँ वाले जो नहीं बांधते मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए कि सैयदना इमाम मालिक इस बात के कायल है कि उनके मुतबईन हाथ खुला रखते हैं, तो जो नमाज में हाथ खुला रखते हैं वो अगर सलाम में भी खुला रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो नमाज में बांधते हैं वो इसलिए सलाम से हाथ खोलते हैं कि उनको नमाज के मुकाबले में सलाम से एलर्जी है, तो उनके लिए ये सारी दलील है ना। तब चला सना पढ़ा गया है ना। हम तो सना पढ़ा, किसी ने पूरा सूर्य फातिहा पढ़ा और बड़ी दलील हुई। सना तो खारिज कुरान है, कुरान का सीधा सीधा जुमला नहीं है, कुरान की रूह उसमें समाई हुई है, अल्फाज कहीं ना कहीं आए। और तुमने तो पूरा कुरान पढ़ा, तो चलो जो अदब कुरान के लिए हुआ वही अदब अभी एक और आता है कि अल्लाह अकबर दोबारा कहा गया और अब पढ़ रहे हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हुजूर तो हुजूर की आल के लिए भी हाथ बांधे रहे ये क्या बात है भाई, चाहे यहाँ बात हो चाहे यहाँ बात हो। अरे कभी ऐसा भी किया करो कि अलहम से फर्क करने के लिए खसका दिया करो, अलहम यहाँ पर पड़ा तो सलाम यहाँ पर पड़ा, अरे कहीं वही तो बात है। तो पता चला कि हम तो बिलाव से पढ़ते हैं, तुम तो हर जराने में पढ़ रहे हैं ना। मैं छोड़ो, हम तो ऐसे वैसे जैसे सब पढ़ते रहते हैं, तो जनाजे में जो तुम पढ़ते हो वो मिलाद से पढ़ते वक्त घबराते हो, जनाजे का डर है क्या? तो सलाम के पढ़ने से घबराहट समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि कहीं ना कहीं मुनाफ़िक़त की तजल्ली है। तजल्ली से घबराई ना मत, आप कहीं बड़ा पाकीज़ा लफ्ज़ है लेकिन कभी कभी कहीं से शाया होने पर भी नापाक हो जाता है। चलिए तो सलाम है ना, इससे साबित हुआ कि हम सब सरकारे दो आलम की सुन्नत पर अमल करते हैं। जनाजा पढ़ना सरकारे दो आलम ने खुद सिखाया है, खुद हाथ बांध के सिखा दिया, ऐसे पढ़ोगे जरूर, खड़े रहोगे, हाथ बांधे रहोगे, सना और सरूद के पढ़ने में कोई मुंह बराबर बाल बराबर फर्क नहीं होगा। अब जी चाहता कि यहाँ वो पढ़े यक्सरे मुए पत्थर परम सरोगे तजल्ला बसूर परम है ना। वो वहां मेराज की है, यहाँ मेराज है, नमाज मेराज नहीं है क्या? अब सलाह तो मेराज उल मौलवी है ना। खबरदार, सना पढ़ने के मुकाबले में सलाम को मुंह बराबर की हकीर न समझना। वो सना पढ़ने वाले बहुत हो जाते हैं, दरूद वही पढ़ता है जिसका सना कबूल होता है ना। तो हमें और तुम्हें अपने मोहल्ले को अताब इलाही से महफूज रखना है। और तुमको हमको तो किसी से मुलाकात हो भी गई, अपनी औलाद को महफूज रखना है। इंफेक्शन से बचाने का दौर है, इंफेक्शन बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, हर मामले में बढ़ रहा है, अकायद में भी बढ़ रहा है। अपने को बुजुर्गों से जोड़ो और ये अल्लाह से जोड़ो और ये अल्लाह के शायकीन और महबूबों से जोड़ो, सही और गलत की पहचान पैदा करो, खुशबुओं को जानो, बदबुओं से एलर्जी पैदा करो और इन सब
अहद पैमान के साथ कि हम मसलके बुजुर्गान दीन, मसलके सहाबा, मसलके अइम्मा, मसलके औलिया से बाज़ाब्ता वाबिस्ता हो गए। किसी एक नाम को लेकर हमारे यहाँ इनकार नहीं होता। जैसे ही हम मसलके आला हजरत कहते हैं, खुद बहुत उसके अंदर से एक जमाले जहां आरा निकल कर बाहर आता है कि मसलके मारहरा जिंदाबाद। और जैसे ही मसलके मारहरा का नारा लगा, उसके अंदर से एक और खुशबू फूटी कि मसलके कालपी जिंदाबाद, है ना। और उसके अंदर से एक और खुशबू फूटी कि मसलके बगदाद जिंदाबाद, है ना। बुजुर्गो दोस्तों और अजीजों, इसलिए किसी एक नारे से घबराने की जरूरत नहीं है। एक नारा भी काफी है, बशर्ते के वो नारा तुम्हारे अंदर कलेजे के अंदर जगह बना ले। तो ये वो नादे अली है जिसमें सारा दुश्मन भाग खड़ा हो। ये नादे अली की कैसियत रखता है, ये तारीफ है नादे अली का। जिसके पास ये नादे अली है वो ऐसे ही भाग रहा बहुत दूरी से देख के, मुश्किलें रास्ता बदल देती है मुझको देखकर। सर से दफ्ते शफते हजरते मौलाए नजफ रखता हूं मैं, है ना। तो बुजुर्गो दोस्तों और अजीजों, और इन अहद फरमान के साथ हम सब 12 रबीउल अव्वल को पीर के रोज सुबह 7 के वक्त मुअत्तर मुकद्दस मुतहर तशरीफ लाने वाले आका मौला सैयद कुल حضرت احمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في بارگاہ میں آج غیر معمولی صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔